हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ग्लैमरस लाइफ। एंड मैं हूं आपकी दोस्त सैंड्रा। फ्रेंड, थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि है स्विस ब्यूटी ब्रांड का, एंड जिसका मैंने आपके साथ हॉल शेयर किया था। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है हॉल कब मैंने शेयर किया था, एंड वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल में आज जाके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो या गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। गाइज, इस वीडियो में मैंने 3 लिपस्टिक को पिक किया है, डिफरेंट वे में आपको दिखाया है कि इस मेकअप लुक के साथ 3 जो लिपस्टिक है वो किस तरह से सूट करेगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को स्पूली की हेल्प से कॉम्ब आउट कर ले रही हूँ, जिससे कि जो मेरी आईब्रो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेट हो जाए। एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउ पाउडर, जो कि है स्विस ब्यूटी का 2-in-1, जिसमें कि ब्राउ पाउडर आता है एंड जेल आईलाइनर आता है, उससे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। गाइस, ये जो ब्राउ पाउडर है ये 24 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड स्मज प्रूफ है। एंड गाइस, आज के वीडियो मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स पिक किए हैं वो अंडर 300 रुपीज़ में आते हैं। सो या, ये है इस वीडियो की खास बात, जो कि वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है माय फेवरेट स्विस ब्यूटी ब्रांड का। एंड इसके बाद मैं अपनी आईलिड्स पर एंड जहाँ पे मैंने आईब्रो फिल करी है उसको शेप अप करने के लिए कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। एंड कंसीलर मैंने पिक किया है 04, जो कि मेरी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है, जो कि फेस को हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, फुल कवरेज कंसीलर है। एंड इसके बाद मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के प्राइम सेट मैट सेटिंग पाउडर से, जो कि मैट फिनिश देता है। एंड अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना आई मेकअप। सो आईज़ के आउटर कॉर्नर पे मैंने सेलो टेप को अप्लाई किया है, जिससे कि जो मेरी आई का जो मेकअप है वो परफेक्ट डिफाइन होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो, एंड मैंने आई शेडो पैलेट पिक किया है 06। इसमें से मैंने लाइट कैमल कलर को अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड अपवर्ड डायरेक्शन में भी इसको ब्लेंड करते जाऊँगी, क्योंकि मैं लाइट जो कैमल कलर है इसको क्रीज के अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर रही हूँ, साथ ही साथ ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंडिंग मस्ट है, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम ब्लेंडिंग में लगता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल आईलाइनर, जो कि मुझे आईज़ के आउटर कॉर्नर पे एक स्मोकी लुक क्रिएट करना है, विंग लाइनर ड्रॉ करना है। सो जेल आईलाइनर से मैं एक शेप बना रही हूँ अपने आईज़ के शेप के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने जो ब्रश लिया है गाइज, ये स्मॉल एंगल ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जेल आईलाइनर की, इसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आईलाइनर को ब्लेंड कर ले रही हूँ, जिससे कोई हार्श लाइन ना रहे और जो मेरा आई मेकअप है वो स्मूथली डिफाइंड हो। एंड अगेन सेम पैलेट से मैंने डार्क ब्राउन कलर को पिक किया है आईलाइनर को सेट करने के लिए, मैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ ब्लेंड करते जा रही हूँ। एंड मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से मैं जो आईलाइनर मैंने अप्लाई किया था एंड उसके बाद जो मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कोई हार्श लाइन ना रहे। एंड इसके बाद मैं कट क्रीज कर रही हूँ एंड मैंने सेम कंसीलर को पिक किया है एंड मैं अपनी आईलिड को कट क्रीज कर लूँगी, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट आई शेडोज़ अप्लाई करूँ वो इन्हेंस होके आए एंड उनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आए। तो कंसीलर को मैं सेट कर रही हूँ जो सेटिंग पाउडर है उसकी हेल्प से। एंड अगेन एक बार फिर से मैं आईज़ के आउटर वी पे डार्क ब्राउन कलर को पिक कर रही हूँ एंड इसके बाद प्लेस करते जा रही हूँ, जिससे कि स्मोकी लुक क्रिएट होगा। एंड गाइज, इसमें मैंने आज के आई शेडो में पिक किया है स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट, ये है 03, बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है। एंड इसके बाद मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर से मिडिल आईलिड तक 02 स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, ये ग्लिटर में है, बहुत ही प्यारा लुक आया था। एंड इसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया है जो मेरा आई मेकअप है। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, जो कि स्विस ब्यूटी का ही है, 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग। एंड इसके बाद मेरा जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। सो मैं आईलैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ एंड इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लॉन्ग लैशेस मस्कारा, जो कि वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड गाइस, ये लैशेस को थिक बनाता है, लेंथ को प्रमोट करता है।
सो यहाँ पे ही आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फॉल्सीज नहीं अप्लाई करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। सो गाइस मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो इसके बाद मैं अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ। सो मैंने पिक किया है प्राइमर जो कि है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर जो कि स्किन को ब्राइटन अप करता है, मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है एंड पोर्स को मिनिमाइज करता है। ये मेरा फेवरेट प्राइमर है गाइस। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट मॉइस्चराइज हो जाती है कि जो फाउंडेशन है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और मैंने पिक किया है स्विस ब्यूटी का परफेक्ट मैच पेन स्टिक जो कि मेरा शेड है N2 एंड बहुत अच्छा ये मतलब पेन स्टिक है गाइस। इतनी ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड इसकी MRP सुनोगे तो आप शॉक रह जाओगे। इसकी MRP है 199 रुपीज़ एंड बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ईजिली ब्लेंड हो गया है ये फाउंडेशन। एंड इसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं एक बार फिर से कंसीलर को अपने अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के हाईलाइटिंग पॉइंट पे एंड एक फ्लैट एंगल ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड करते जा रही हूँ ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो ख़राब ना हो। मैं हमेशा अंडर आईज़ को ब्लेंड करने के लिए ब्रश को ही प्रेफर करती हूँ एंड इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। एंड कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं एक बार फिर से स्विस ब्यूटी का पाउडर ले रही हूँ जो कि मैटिफाई है सेटिंग पाउडर जो मेकअप है उसको मैटी लुक प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से जिसमें कि एलोवेरा है, विटामिन ई है जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, स्मूथ फिनिश देगा एंड इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मेकअप को सेट कर रही हूँ। सो गाइज नेक्स्ट अब बारी आती है अपने फेस पे कलर ऐड करने के लिए। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्जर एंड मैंने ब्रॉन्जर पिक किया है स्विस ब्यूटी का 02। इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर को पिक किया है, ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने फेस को। एंड स्विस ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट है गाइस वो अंडर 300 रुपीज़ में हैं। इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। आप इन मेकअप प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो अब मैं अपनी नोज़ को ब्रॉन्ज कर रही हूँ जिससे कि जब लाइट फेस पे पड़े तो एक अलग सा लुक क्रिएट हो, अलग सा एक फेस पे जो लुक आता है वो समझ में आए। देन इसके बाद ये मेरा फेवरेट ब्लश है गाइस, ये है स्विस ब्यूटी का बेक ब्लश मल्टी ब्लशर एंड इसका कोड है 05। यार इस ब्लश को मन करता है लगाते जाओ, ये इतना अच्छा लगता है मेरे को ब्लश। ये न्यूड शेड में है, इसके बहुत सारे शेड हैं मेरे पास, इसमें इसका पिंक भी है बट ये मेरा फेवरेट है। ये न्यूडी शेड में आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड एज यू कैन सी कि मेरा फेस मुझे खुद को अच्छा लग रहा है यार, मन कर इसको लगाते जाओ, हाथ रुक ही नहीं रहते। सो बस करो यार सैंड्रा, कितना लगाओगी ब्लश को, बस हो गया चाबी चीक्स। इसके बाद मैं अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ दी नोज को हाईलाइट करूँगी। इसी तरह से मेकअप को करते जाना है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए, मेरा ये मेकअप आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना यार एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इसके बाद मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ लिप्स को परफेक्ट शेप देने के लिए। मैंने पिक किया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर चौको न्यूड 03 जो कि मेरे लिप कलर से परफेक्टली मैच कर रहा है। एंड इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मैट मी एंड इसका कोड गाइस मुझे नहीं पता है बट मैं नीचे इनबॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज के मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने 3 लिपस्टिक को अप्लाई करा है। फर्स्ट ये है 0004 है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये न्यूड शेड में आती है लिपस्टिक, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल है स्विस ब्यूटी का जेट ब्लैक कलर में, वाटरप्रूफ है एंड काफ़ी अच्छा है। एंड इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूँगी। तो सेम पैलेट से मैंने ब्राउन कलर को पिक किया है, स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूँगी। एंड एक बार फिर से मैंने ब्लू कलर को लिया है अपनी मिडिल लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए। सो गाइज एक ट्रिक है कॉन्टोरिंग के लिए, परफेक्ट शेप के लिए लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से लेकर के फेस की जॉ लाइन पे आप हल्का सा पैट कर दी जिससे कि जो कॉन्टोरिंग वाला पार्ट है, ब्रॉन्जर वाला पार्ट है वो इन्हेंस होगा, उभर के आएगा।
सो गाइज ये तीन लिपस्टिक हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। फर्स्ट जो है वो न्यूड शेड में लिपस्टिक है, कोड मुझे याद नहीं है बट मैं इनबॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सेकंड है स्विस ब्यूटी की S18 फायर रेड जो कि मेरी फेवरेट है। एंड थर्ड आती है गाइज, ये है, एक सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड लिपस्टिक है गाइज ये है S12 रोज जो कि परफेक्ट पिंक रोजी पिंक कलर है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल स्विस ब्यूटी का। आई होप माय डियर फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आपको कौन सा मेकअप लुक पसंद आया है पिंक लिपस्टिक के साथ या फिर रेड या फिर न्यूड लिपस्टिक के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो फेवरेट है वो है रेड लिपस्टिक विद ब्लैक आउटफिट एंड न्यूड लिपस्टिक विद ब्लैक आउटफिट। एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा। आउटफिट जो है ये शीन से मैंने लिया था, उसका लिंक मैं आपको मेंशन नहीं कर सकती हूँ बट ऑनलाइन अब ऐसी ड्रेसेस बहुत अवेलेबल है, आप परचेस कर सकती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव ऑल माय गेट ग्लैमरस लाइफ फैमिली मेंबर्स एंड व्यूअर्स। जितने मैंने मेकअप प्रोडक्ट गाइस यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं नीचे इनबॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।